ऐसी स्थिति है। आश्रमा यवनई रुद्धा, एक विशेष बात नारद जी ने कही, आश्रमों को यवनों ने रुद्ध कर लिया, आश्रमों पर यवनों का अधिकार हो गया। बहुत ध्यान से सुने, जिन्हें हम यवन कहते हैं वे ही यवन नहीं है, जो आश्रमों में रहते हैं पर उनमें सत्य नहीं है, उनमें सदाचार नहीं है, उनमें दया क्षमा करुणा आदि नहीं है, उनमें सेवा की भावना नहीं है, गौ ब्राह्मण और अतिथि के प्रति सत्कार की भावना नहीं है, ऐसे धर्म कर्म से शून्य वे देखने में भले ही लगते हों कि ये अमुक वेशभूषा वाले हैं, पर वो यवन ही हैं, अच्छे लोग नहीं। ऐसे लोगों ने पवित्र स्थानों पर कब्जा कर लिया है। आश्रमाह यवनई रुद्धा। यवन किसको कहते हैं? म्लेच्छ किसको कहते हैं? अरे यवन के जैसे आचरण जिसके हों, म्लेच्छ के जैसे आचरण जिसके हों, उसको म्लेच्छ कहते हैं, उसको यवन कहते हैं। ऐसे लोग भी आश्रमों में आकर रहने लग गए, इसलिए आश्रमों की पवित्रता नष्ट हो गई।